अभी पालीगंज में इंटरमीडिएट जो एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम को लेकर के जो मार्केट में पालीगंज हाई स्कूल है, एग्ज़ाम से बच्चे जब छूटते हैं, बाहर निकलते हैं, तो किस प्रकार से जाम का सामना करना पड़ता है। कई वैसे वाहन या जो भी वैसे स्थानीय लोगों को आने जाने में जो परेशानी होता है, जो जिस प्रकार से हम तो एक संदेश के माध्यम से प्रशासन को कहेंगे, जिस प्रकार से एग्ज़ाम सेंटर है या तो बैरिकेटेड लगा दिए होते तो वाहन का आवागमन बंद हो जाता। अभी फिर से 14 फरवरी से जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को लेकर के फिर सेंटर आएंगे पालीगंज हाई स्कूल में, और फिर से जाम को या फिर से इस प्रकार से जाम देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से जो वाहन हैं या तो वैसे जो भी स्थानीय लोग हैं, सब लोग एक जगह पे थम गए हैं, एक जगह पे रुके हुए हैं, क्योंकि आने जाने का भी रास्ता नहीं है। देख सकते हैं किस प्रकार से आने जाने में कठिनाई हो रहा है, क्योंकि सेंटर छूटने के बाद बच्चे अपने घर को जाने के लिए किस प्रकार से जो बोला जाता है कि जल्दी जल्दी चलिए, जिस प्रकार से जल्दी की वजह से या तो जो भी वैसे भारी वाहन है या तो बस, आप देख सकते हैं जो इस रोड में जो भारी वाहन है उस पर रोक लगाया जाए, ताकि जो एग्ज़ाम सेंटर पे आए वैसे भी स्टूडेंट हैं उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े, या तो उनके जितने भी परिवार हैं उनके उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि भारी वाहन की वजह से भी जाम होता है। और आप सभी इसे वीडियो के माध्यम से या तो वैसे जो भी प्रशासनिक पालीगंज के जो भी वैसे प्रशासन है उनसे भी मैं निवेदन करते हुए बतलाएंगे कि या तो इसे जो बीटा से थाना वाले रोड है उस रोड में बैरिकेटेड लगा दिया जाए, जब एग्जाम चलता है तब उस समय बैरिकेटेड अगर लगा देते तो शायद इसे जाम का समस्या को सामना नहीं करना पड़ता, और इसी वजह से बैरिकेटेड ना होने की वजह से जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा। और जो भी वैसे स्टूडेंट आए हैं या तो जो भी अगर परीक्षार्थी को जितने भी स्टूडेंट है, अगर किसी को परीक्षा सेंटर पर जाना हो, अगर इस प्रकार के से परेशानी बढ़ जाए तो उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत होता है परीक्षा सेंटर जाने में, क्योंकि भारी वाहन से कहीं दिक्कत होती है। जिस प्रकार से अभी इस रूट में भारी वाहन का जो आवागमन है उसे या तो रोक लगाया जाए, या तो जो भी प्रशासनिक जो हैं उनसे मैं निवेदन करते हुए कहेंगे कि बैरिकेटेड या तो बिहटा मोड़ पे लगाएं, या तो सिगो जो चंडोस मोड़ है उस पर बैरिकेटेड लगा दिया जाए, ताकि इससे मार्ग में भारी वाहन का आवागमन ना हो, क्योंकि अभी देख सकते हैं स्टूडेंट का किस प्रकार से जो यहाँ पे सेंटर है पालीगंज हाई स्कूल का, उस सेंटर के पास में किस प्रकार से स्टूडेंट अपने सेंटर पे जाने के लिए, या तो क्योंकि देख सकते हैं दूर से ही हम दिखलाएंगे कि बहुत वैसे परेशानी बढ़े हुए हैं, और कई वैसे स्टूडेंट को अगर सेंटर में इस मार्ग से जाना हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए यही वो सेंटर है जो पालीगंज का हाई स्कूल बतलाया जाता है, और यहाँ पे बैरिकेटेड प्रशासनिक बैरिकेटेड ना होने की वजह से जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। वैसे स्टूडेंट या तो जो भी उनके परिवार जो आते हैं उन्हें इसे परीक्षा केंद्र से किस प्रकार से दिक्कत का सामना करना पड़ता है, देख सकते हैं लंबे कतार में वाहन खड़ी है, और भारी वाहन की वजह से ज़्यादातर जाम लगता है। और जाम लगने की जो मुख्य कारण है, एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर में जिस प्रकार से बताया जाता है कि चंडोस मोड़ पे या बीटा मोड़ पे अगर बैरिकेटेड लगा दिया जाता तो हो सकता है कि भारी वाहन का आवागमन बंद हो जाता, तो बंद होने की वजह से फिर इसमें जो जाम की समस्या है उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। और देख सकते हैं पीछे फिर से एक ट्रैक्टर आ गया है, और दोनों तरफ से जो जाम की समस्या है, जो दोनों तरफ से जो भारी वाहन आ रहे हैं उस वजह से लगभग कई घंटे तक जाम होते हैं, और ये जो एग्जाम सेंटर है इस रोड पे जो मेन रोड है बीटा और जो चंडोस मोड़ का जो मेन मार्ग है थाना होते हुए इसे एग्जाम सेंटर पे, यही कारण है जो भारी वाहन का आवागमन जो चालू है, लगातार चालू रहता है, इस वजह से हमें लगता है एग्जाम सेंटर पे या इस मार्ग पे बहुत जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देख सकते हैं इधर से भी भारी वाहन आपको देखने को मिलेगा और इस साइड में भी भारी वाहन जो है वो देखने को मिलेगा, और परीक्षार्थी जो भी होते हैं या तो जो भी सेंटर पे आए वैसे जो भी स्टूडेंट होते हैं कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर वो जाम में फंस जाते हैं तो अगले सेंटर में जाने में लगभग आधे घंटे या पौन घंटे जो भी दिक्कत होता है उस दिक्कत को किस प्रकार से झेलना पड़ता है, और यही एग्जाम सेंटर पे किस प्रकार से जाम होता है आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अभी फिर दूसरे सिटिंग जो स्टार्ट होने वाला है एग्जाम सेंटर पे,